हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत अग्रवाल। आप देख रहे हैं बीजी टिप्स। आज की हमारी क्लास का ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट, जिसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो लाइक करनी है तो वीडियो के लास्ट में करें, क्योंकि पूरी वीडियो को देख कर ही आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट को समझने के लिए आपको ये समझना होगा, शेयर मार्केट इज इक्वल टू स्टॉक मार्केट, यानी कि जो शेयर मार्केट है वही स्टॉक मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है वही शेयर मार्केट है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि शेयर मार्केट अलग चीज़ है और स्टॉक मार्केट अलग चीज़ है। तो ये दोनों को आज आप कन्फर्म कर लीजिए कि ये शेयर मार्केट इज इक्वल टू स्टॉक मार्केट। और एक और मार्केट होता है अपना, जिसको हम कहते हैं इक्विटी मार्केट, जो आप देख लीजिए इसको हम कहते हैं इक्विटी मार्केट। ये भी शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के बराबर ही काम करता है, यानी कि इसी को भी स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट भी कहते हैं दोनों की, यानी कि स्टॉक शेयर मार्केट इज इक्वल टू स्टॉक मार्केट इज इक्वल टू इक्विटी मार्केट, यानी कि तीनों के तीनों मार्केट एक ही होते हैं, इन तीनों को हम अलग अलग नहीं कह सकते। तो दोस्तों आपसे दूसरा पॉइंट है कि सट्टा बाजार को हम जुआ या सट्टा बाजार को हम जुआ से जुए को हम शेयर बाजार से और स्टॉक मार्केट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार और जुआ से बिल्कुल अलग है, बहुत अलग है। क्योंकि सट्टा बाजार और जुआ में हमको नीचे गिरने का बहुत चांस रहता है, लेकिन शेयर मार्केट में अगर हमारे पास पूरी नॉलेज है, डीप नॉलेज हमारे पास है अपने शेयर की, अपनी कंपनी की, जिस शेयर में हम खरीद रहे हैं, जिस शेयर को हम खरीद रहे हैं, उस शेयर की कंपनी की हमारे पास पूरी नॉलेज है, तो हमारा शेयर गिरने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। और हम स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं, जिससे कि हमारे लॉस के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, प्रॉफिट के चांस बढ़ जाते हैं। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं बताता हूँ कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं और शेयर बाजार है, स्टॉक मार्केट है, उसको सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसको गवर्न करता है, जैसे अपनी इंडिया को गवर्न करता है अपनी गवर्नमेंट, तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स और सेबी और बैंक के इन्वेस्टमेंट प्लान्स को सेबी गवर्नमेंट करता है, जिससे कोई स्कैम ना हो जाए, जिससे कोई फ्रॉड ना कर सके। इसलिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सब पे नज़र रखता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं कर रखा। तो मैं आपको रिस्क के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो आपके रिस्क के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप ऐसे ही अपने सीधे शेयर में आप इन्वेस्ट कर देते हो तो आपके रिस्क के चांस बहुत होते हैं। अगर आपके पास पूरी नॉलेज है अपने शेयर के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, तो आपके पास रिस्क के कम चांस होते हैं। तो आप पहले ही डिसाइड करके रखिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप जवान हैं यानी 18 से 35 साल के बीच में, तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। आप जितना कमा रहे हैं उसका थोड़ा सेविंग आप अपने स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। लेकिन आप ओल्ड हैं तो आप अपने रिस्क को आप मेंटेन करके रख सकिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कि आपका अगर पैसा डूब जाए तो आपको उसका दुख नहीं हो। तो आप रिस्क को पहले मेंटेन कर लीजिए। तो दूसरा अपना पॉइंट आता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, उसको भी आप समझ लीजिए। तो शेयर मार्केट ऐसे काम करता है जैसे कि कोई कंपनी है, जैसे कि हम मान लें ABC कंपनी है, एग्जाम्पल के रूप में हम मान लेते हैं कि एक ABC कंपनी है जिसको ग्रो करना है और उसको पैसे चाहिए। तो आप जाएगी अपने फंड वालों के पास जाएगी, फंड मैनेजमेंट के पास जाएगी और सभी से पैसे देगी। अगर आप कोई बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसको पैसे नहीं भी देंगे किसी कंपनी को, तो वो कंपनी क्या करेगी, वो सेबी के पास जाकर IPO अपना रजिस्टर करवा देगी, यानी कि IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसको कहते हैं हिंदी में इनिशियल पब्लिक ऑफर, और उसका दूसरा नाम भी है पब्लिक फंडिंग। यानी कि वो कंपनी पब्लिक से फंड लेगी, यानी हम इन्वेस्टर से, जैसे कि मैं कोई इन्वेस्टर हूँ, तो वो मुझसे पैसे लेगी और उस कंपनी में लगा देगी जिससे कि वो ग्रो कर सके। अगर वो कंपनी ग्रो करती है तो मुझे भी जो मैंने इन्वेस्ट कराया उस पर हमको ग्रो मिलेगा यानी प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो कंपनी डूब जाती है, जो उसने पैसा लगाया वो गिर जाता है, तो हमारा भी शेयर जो है वो गिर जाएगा। इसको मैं आपको पूरा एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। जैसे कोई ABC कंपनी है, उसको ग्रो करने हैं, उसको चाहिए 60 लाख रुपये। तो 60 लाख रुपये ग्रो करने के लिए और उसको करना क्या होगा, वो क्या करेगी, लोगों से पैसे लेगी यानी पब्लिक फंडिंग करेगी। तो वो क्या करेगी, 60 लाख रुपये देंगे तो वो अपने 60,000 शेयर निकाल देगी 100-100 रुपये के प्राइस पर, यानी कि 60 हज़ार शेयर निकालेगी 100-100 रुपये प्राइस पर, तो कुल मिला के उसको एक अमाउंट से 60 लाख रुपये उसको मिल जाएंगे, जिससे कि वो ग्रो कर सकती है। तो अब जो हम इन्वेस्टर्स होंगे वो 60,000 शेयर्स को खरीदेंगे, जैसे 60,000 में से किसी ने 1,000 शेयर्स खरीद लिए 100-100 रुपये के प्राइस पर, तो वो उस कंपनी में 1 लाख रुपये का मालिक हो चुका है, यानी कि वो उस कंपनी में 1 लाख रुपये का शेयर होल्डर बन चुका है। उसने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो वो उस कंपनी का शेयर होल्डर बन चुका है। तो यही है कि शेयर मार्केट में आप अगर पैसा लगाते हो तो आपको क्या बेनिफिट होगा, वो भी आपको बताता हूँ। तो
तो अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, यानी कि हम जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो हमको क्या प्रॉफिट होगा? अगर हम जैसे 60,000 शेयर्स आएंगे और इन शेयर्स की प्राइस कल 60,000 से होकर 65,000 हो जाती है, तो जो हमने शेयर्स खरीदे हैं, यानी कि इसने जो 1,000 शेयर्स खरीदे थे, उस 1,000 शेयर्स की प्राइस भी जैसे 1,500 हो जाती है, तो उसमें हर शेयर पर हमको 500 रुपये का फ़ायदा हुआ। और इसको 500 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गए हमारे 50,000 रुपये, यानी हमने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे और ये हमारे हो गए 50,000, हमको और प्रॉफिट मिल गया, तो जिससे कि हमारा भी प्रॉफिट मिलता है। और ये 60,000 शेयर्स अगर नीचे गिर जाते हैं, यानी कि कंपनी डूब जाती है, तो हमारे ये जो 1,00,000 रुपये थे ये भी डाउन चले जाएंगे। ये पता नहीं, शायद 80,000 भी रह जाए या फिर 10,000 भी रह सकते हैं। तो वो इसलिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि शेयर मार्केट में और स्टॉक मार्केट में रिस्क के चांस बहुत होते हैं, तो आप पहले देख लीजिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसी के हिसाब से आप काम कीजिए। तो अपना तीसरा पॉइंट आता है, वो है अपना वाई आर वी इन्वेस्ट इन आवर शेयर्स एंड आर कंपनी। हम क्यों इन्वेस्ट करें किसी कंपनी पर? तो हमको कंपनी में इन्वेस्ट करने के दो फायदे हैं। पहला अपना फायदा है डिविडेंड, हमको उस कंपनी से डिविडेंड मिलता है। और दूसरा फायदा है अपना शेयर वैल्यू ग्रोथ। इन दोनों चीज़ों को हम समझेंगे अभी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड होता है जैसे कि कोई कंपनी ग्रो करे जा रही है और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ प्रॉफिट उसमें से दे देती है डिविडेंड के रूप में। यानी कि कोई कंपनी ईयरली ग्रो करे जा रही है 5-10-20% के ग्रोथ से, तो वो उसमें से कुछ अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है, वही कहलाता है अपना डिविडेंड। और शेयर वैल्यू ग्रोथ कहलाता है, यानी कि जो अपने शेयर्स की वैल्यू 100 रुपये है और कल वो 115 हो गई, परसों 120 हो गई या फिर गिर गई, तो वही कहलाती है अपनी शेयर की वैल्यू ग्रोथ। यानी कि शेयर बढ़ रहा है, नीचे गिर रहा है, वही अपने शेयर की वैल्यू ग्रोथ कहलाती है। और डिविडेंड अपना कहलाता है जो कंपनी खुद देती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये हो गए अपने दोनों पॉइंट कंप्लीट। तो अब अपना अगला पॉइंट आता है कि हम शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करेंगे और शेयर मार्केट के क्या क्या रूल्स हैं, सब कुछ आपको बताता हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो अपना अगला पॉइंट आता है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। यदि हमको अगर ट्रेडिंग करनी है तो हमको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में समझना होगा। यानी कि इंडिया में दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, BSE NSE, यानी कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE इनोवेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE में हमारी 5,000 से ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1,600 से ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है। अब इसमें भी BSE में भी अपना सेंसर चलाता है, जो कि आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि सेंसर आज बढ़ रहा है, घट रहा है। और आप अपने न्यूज़पेपर्स में देखोगे तो ऊपर गोल्ड की संग सेंसर्स की वैल्यू भी आती है। और निफ्टी भी आप देख सकते हो कि निफ्टी NSE में आता है, यानी कि निफ्टी मतलब नेशनल 50, इसमें 50 से ज़्यादा कंपनीज हैं और सेंसेक्स 30+ कंपनीज का इंडेक्स होता है। आप समझ लीजिए ये दोनों एक इंडेक्स हैं, यानी कि जैसे अपना बुक का इंडेक्स होता है, वैसे ही ये निफ्टी और सेंसेक्स एक इंडेक्स है, जो कि BSE के 5,000 कंपनीज में से टॉप 30 कंपनीज को दर्शाता है और NSE की 1,600 कंपनीज में से टॉप 50 कंपनीज को निफ्टी दर्शाता है। ये दोनों BSE और NSE के इंडेक्स हैं, जो कि आप गूगल पर चेक करोगे, लिखोगे सेंसेक्स टुडे या निफ्टी टुडे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप सेंसेक्स ऊपर है या नीचे है। या आप उसका टाइम पीरियड सेलेक्ट करके भी देख सकते हो कि पिछले 5 साल पहले कितना था, 1 साल पहले कितना था, 10 साल पहले कितना था। तो अपना अगला पॉइंट आता है इसी में कि सेंसेक्स और निफ्टी को हम चेक कर सकते हैं अपने गूगल से देख कर। और आपको मैं बताता हूँ कि शेयर जो अपना बढ़ता है और घटता है वो कैसे काम करता है, ये बहुत ही सरल है, इसको मैं आपको बताता हूँ फटाफट। तो शेयर को बढ़ना और घटना, आप तो अपने शेयर की जो डिमांड है और वो सप्लाई है, जो शेयर अपना ऊपर नीचे हो रहा है वो डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। और डिमांड और सप्लाई कैसे काम करते हैं वो बताता हूँ फटाफट से आपको। जैसे किसी शेयर की डिमांड अगर बढ़ती है और अगर सप्लाई उसकी कम है, तो उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। और किसी शेयर की सप्लाई ज़्यादा है और उसकी डिमांड हो गई कम, तो उसकी जो प्राइस है वो लो प्राइस हो जाएगी, यानी कि उसकी प्राइस घट जाएगी। अब इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि प्याज है, प्याज अब चल रही है 100 रुपये किलो, जैसे मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं प्याज हो गई 100 रुपये किलो। तो प्याज कल तो 10 रुपये किलो थी, आज 100 रुपये किलो कैसे हो गई? यानी कि प्याज की डिमांड बाज़ार में बढ़ गई और उसकी सप्लाई कम हो गई। यानी कि किसी वेयर हाउस में, किसी स्टोर हाउस में केवल 10,000 प्याज हैं और ख़रीदने वाले हैं 1,00,000। तो यानी कि ख़रीदने वालों की डिमांड हो गई ज़्यादा और सप्लाई हो गई कम, तो वो प्राइस को क्या करेंगे, प्राइस को बढ़ा देंगे। यानी कि 100 रुपये किलो में प्याज बिक रही है, अब इन 10,000 लोगों में से ख़रीदने वाले
बहुत ही कम खरीदने वाले होंगे, जैसे कि 1000 लोग होंगे जो केवल 100 रुपये किलो पर खरीदेंगे पर केजी पर, तो ये सारे प्याज हमारी बिक जाएंगी और हमारा प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर मान लें कि 1 लाख है प्याज और ख़रीदने वाले हैं केवल 10,000, तो जो अपनी प्राइस है वो हो जाएगी कम, यानी कि अपनी डिमांड तो है कम और सप्लाई है ज़्यादा, तो अपनी क्या करेंगे अपन, अपनी जो प्राइस है उसी शेयर की प्राइस है, जो भी किसी वैल्यू की प्रोडक्ट की प्राइस है वो कम हो जाएगी, यानी 10 रुपये किलो पर जो प्याज है वो बिकने चालू हो जाएगी अगले दिन से। तो यही है डिमांड और सप्लाई का रूल, जो कि बहुत ही सरल है। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि आप शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या आपके पास फॉर्म होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास चीज़ होनी चाहिए जिससे कि आप शेयर मार्केट इन्वेस्ट कर सकें, उसमें स्टॉक को आप खरीद सकें, शेयर को आप खरीद सकें और अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। तो आपको बताता हूँ मैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है अपनी सेविंग अकाउंट, यानी कि आपका किसी भी बैंक में एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। दूसरी अपनी चीज़ है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट जो होता है वो आपके लिए कंपलसरी है, बिना डीमैट अकाउंट के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, ना ही स्टॉक में पैसा लगा सकते हो, ना ही शेयर खरीद सकते हो। तीसरा ज़रूरी है अपना ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको करना क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है डीमैट अकाउंट के संग ही। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाते हैं। सेविंग अकाउंट को आपको पता है कि किसी भी बैंक में हम जाकर खुलवा सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खुलवाते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि तीनों चीज़ क्या होती हैं। सेविंग अकाउंट आपको पता है जो कि बैंक की तरफ से खुलवाया जाता है। डीमैट अकाउंट वो होता है क्योंकि हम स्टॉक्स को खरीदने और बेचने के लिए खुलवाते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जिसमें हम स्टॉक्स और को खरीदते हैं और बेचते हैं, और जो हमारा स्टॉक हमारे अगर प्रॉफिट में जा रहे हैं तो वो हमारे डीमैट अकाउंट में शो कर जाते हैं। यानी कि अब मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो हमारे शेयर्स को परचेज करने के लिए और सेल करने के लिए होता है। अगर आप किसी शेयर को खरीदना चाहते हो किसी भी कंपनी के, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में उसके शेयर को खरीदोगे और बेचोगे। अगर आप किसी कंपनी में बेच और खरीद रहे हो और उसमें कुछ प्रॉफिट होता है और उसमें कुछ ऊंचा उतार चढ़ाव आते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट में दिखा दिए जाएंगे। अगर डीमैट अकाउंट में आपको दिखाने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट आप अपने बैंक अकाउंट में चाहते हो, तो आपको अपने सेविंग अकाउंट में आप उसको निकाल सकते हो। आपको अपने सेविंग अकाउंट को डीमैट अकाउंट के संग पहले ही लिंक करना होता है। अगर आप लिंक नहीं करोगे तो आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में नहीं पहुंचेगा। आपको ये तीनों अकाउंट एक दूसरे से लिंक कर लेने हैं, सेविंग अकाउंट को डीमैट अकाउंट से और डीमैट अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट से। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप सेविंग अकाउंट तो आप बैंक से खुलवा लोगे, लेकिन डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको कैसे खुलवाने हैं और कौन खुलवाता है सब कुछ आपको बताता हूँ, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो डीमैट अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको करना क्या होगा, आपके पास दो तरीके हैं, ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स। ये दो आपको बहुत ही पॉपुलर तरीके बताने वाला हूँ मैं, जो बता रहा हूँ आपको ज़ीरोधा और अपस्टॉक, ये तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन सबसे अच्छे तरीके हैं ज़ीरोधा और अपस्टॉक। ये दोनों कंपनी हैं जो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाती हैं और डीमैट अकाउंट के साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो जो ज़ीरोधा कंपनी है वो ब्रोकरेज के ऊपर खुलवाती है, यानी कि आप किसी ब्रोकर के पास जाओगे और वो 300 रुपये चार्ज करेगा और तब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। और दूसरा अपना आता है अपस्टॉक्स, जो जिसका आपका मोबाइल ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, ये है फ्री है लेकिन कुछ ही समय के लिए, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए फ्री चल रहा है, आप इससे भी अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं और फिर आप आराम से ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट से आप अपने शेयर्स को बेच और खरीद सकते हैं। तो अपना अगला पॉइंट आता है कि कंपनी जब बढ़ती है तो मैं आपको ये रूल बताने वाला हूँ, कुछ रूल आपको बताता हूँ जिनसे समझ के आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जिससे कि आप इन्वेस्ट आराम से कर सकते हैं। यदि कोई कंपनी ग्रो हो रही है तो उसके समझ लीजिए उसके शेयर्स बिक रहे हैं, पीपल उसके लोग उसके शेयर्स को खरीद रहे हैं, उसके शेयर्स की डिमांड ज़्यादा है और उसके शेयर्स की हाई प्राइस है। तो मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा, उन पर आप फॉलो करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई कंपनी नीचे गिर रही है, यानी उसके शेयर्स कोई खरीद नहीं रहा है, उसके शेयर्स की डिमांड कम है और उसके शेयर्स की प्राइस भी लो है, तो अब आपको करना क्या है, यदि कोई कंपनी नीचे गिर रही है तो आप स्टॉप लॉस लगाकर उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लीजिए। यानी कि जब कोई कंपनी नीचे गिर रही है तो आप उसके शेयर्स को खरीद लीजिए, क्योंकि जब वो कंपनी उठेगी, यानी कि किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये का है और नीचे गिरती जा रही है, उसका शेयर आएगा 20 रुपये पर, तो आप क्या कर लीजिए फटाफट से उसके शेयर खरीद लीजिए, क्योंकि जो कंपनी ग्रो करेगी तो शायद उसका 20 रुपये का शेयर आपका 100 रुपये में तब्दील हो जाए और आपको एक शेयर पर 80 रुपये का प्रॉफिट हो।
तो यही है आप मेरी टिप्स कि जब कोई कंपनी नीचे गिर रही हो तभी उसके शेयर खरीद लीजिए। आपको रिसर्च करना है कि कौन सी कंपनी नीचे गिर रही है और कौन सी कंपनी ऊपर उठ रही है, ये सब आपको गूगल पे मिल जाएगा। गूगल का आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यदि किसी ने 2004 में गूगल कंपनी में इन्वेस्ट करा होगा यानी गूगल कंपनी के शेयर खरीदे होंगे, तो आज वो आदमी यानी कि जो इसने भी गूगल कंपनी में इन्वेस्ट करा होगा वो आदमी यार अरबपति होगा, क्योंकि आज गूगल कंपनी की नेटवर्थ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यानी कि अगर आप गूगल कंपनी में पैसे लगाते हो तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं आपके शेयर के बढ़ने के। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप गूगल पे लगाओ और फेसबुक पे लगाओ तो आपके पैसे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके आप पैसे बढ़ सकते हो। आप सेंसेक्स में पैसा लगा सकते हो क्योंकि वो सेंसेक्स 30 कंपनियों का आपका एक सेंसेक्स इंडेक्स होता है जो कि आपका सारी के सारी 30 के 30 कंपनियों में आपका शेयर को लगा देता है। यानी कि हर 30 कंपनी में से आपका हर परसेंट आपका अलग अलग होता है। जैसे 30 कंपनी है तो एक कंपनी का 10%, एक कंपनी का 5%, एक का 2%, एक का 4%, ऐसे करके 30 अलग अलग कंपनियों में आप पैसा लगा सकते हो सेंसेक्स के द्वारा। और अगर निफ्टी में लगाना चाहते हो, निफ्टी में आप 50 अलग अलग कंपनियों में पैसा लगा सकते हो। 100 रुपये को आप 50 अलग अलग कंपनियों में परसेंट वाइज बांट सकते हो। और अगर आप ऐसे लगाना चाहते हो तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टॉप लॉस क्या होता है और डे ट्रेडिंग क्या होती है और डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है, तो इस वीडियो को जुड़े रहिए। और फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है अपने इंट्राडे और डिलीवरी। यानी कि इंट्राडे होता है यानी कि आपने आज सुबह शेयर खरीदा और शाम को शेयर बेच दिया। इसमें बहुत ही डीप नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो इसमें लोग बर्बाद ही होते हैं, इसमें प्रॉफिट आपको बहुत ही कम मिलता है। और इंट्राडे को मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ही मतलब घटिया तरीका है, बहुत ही बेकार तरीका है, क्योंकि तो इसमें तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही होते हैं। और आपको पूरी नॉलेज है और आप जानते हो कि ये कंपनियाँ ऊपर उठने वाली है, ये कंपनियाँ नीचे गिरने वाली है, तो ही आप इंट्राडे में लगाएं। ये केवल ब्रोकर्स के लिए होती है जो जिनका रोज का काम है शेयर मार्केट में पैसा लगाना और डालना। और दूसरा पॉइंट अपना आता है डिलीवरी का, यानी कि आज आपने पैसा लगाया यानी कि आपने आज किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए और आप उसको 5 साल 10 साल 6 महीने 1 साल कितनी भी टाइम के लिए रखना चाहते हो तो उसको कहते हैं डिलीवरी। यानी कि आज आपने 2020 में किसी शेयर को खरीदा 100 रुपये में, तो उस कंपनी को आपने 100 रुपये का मालिक आप बन चुके हो और 10 साल बाद उसके शेयर की प्राइस हो जाती है 1000 रुपये, तो आप उस शेयर को बेच सकते हो। आप स्टॉक्स और जीरोधा पे मैंने आपको बता चुका हूँ, तो 10 साल में उसकी प्राइस हो गई 1000 रुपये, तो उसके 10 गुना और 10% से उसने ग्रोथ ली और उसने आपका बढ़ गया प्राइस, आपके शेयर की बढ़ चुकी है। अगर आप इंट्राडे में करते हो तो आज आपने 100 रुपये सुबह खरीदे और आपको शाम को अगर वो शेयर अगर आपको 85 रुपये में बिक रहा होगा तो आपको 85 रुपये में बेचना होगा, और आपको अगर शेयर अगर 115 में बिक रहा होगा तो आपको 115 में ही बेचना होगा। यानी कि प्रॉफिट और लॉस वो आपको शाम को पता चल जाएगा क्योंकि शाम के सुबह ओपन होता है शेयर मार्केट और शाम को बंद हो जाता है। तो यही है ट्रेडिंग का, दो तरीके होते हैं इंट्राडे और डिलीवरी। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका क्वेरी का आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा अगली वीडियो में। तो अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस बहुत अच्छा तरीका है जिसमें हमको लॉस होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। स्टॉप लॉस होता है जैसे किसी शेयर की वैल्यू है 100 रुपये अभी, और आपको पता है कि मुझे इस शेयर को केवल 80 रुपये में ही खरीदना है या फिर मुझे शेयर को 95 रुपये में खरीदना है, जो भी आपकी मर्जी है। यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं उसको केवल 95 में खरीदूँ जिससे मुझको अच्छा प्रॉफिट हो, तो आप क्या करोगे इसको स्टॉप लॉस लगा दोगे। जब आप किसी शेयर को खरीदोगे तो उसमें ऑप्शन आएंगे आपको स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं लगाना, तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप उसमें स्टॉप लॉस में लिख देंगे 95। जैसे ही किसी शेयर की प्राइस नीचे गिरेगी 100 रुपये से 95 पर आएगी तो आपका स्टॉप लॉस एक्टिव हो जाएगा, यानी कि आपका शेयर है वो एक्टिव हो जाएगा और आपके शेयर रन में चले जाएगा। यानी कि जैसे ही किसी शेयर की 100 रुपये से आपकी 95 हो गई तो आपका शेयर एक्टिव हो जाएगा। तो यही है स्टॉप लॉस, यानी कि आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और आप किसी शेयर को बेचेंगे बाद में तो आपको लॉस कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो भैया यही थी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाली बात, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर कुछ आपका कमेंट हो तो फटाफट से आप कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।